नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर अश्वनी बंसल है मैं चीफ़ हार्ट सर्जन हूँ इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल डेरावसी मोहाली में आ, हमारे काफ़ी सारे बाईपास के पेशेंट जिनका आ, हार्ट की जिन्हें हार्ट की ब्लॉकेज थी और उनका सर्जरी सक्सेसफुल हो जाता है और वो हमें बाद में पूछते हैं कि उन्हें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए तो हम उन्हें डाइट समझाते हैं आ, मगर हमने सोचा उनको एक वीडियो बना के एक्सप्लेन किया जाए तो पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा तो हमारे सभी पेशेंट्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऑपरेशन के बाद ज़्यादा घबराएं नहीं टेंशन नहीं लें ऑपरेशन के बाद भूख कम लगना या खाने का टेस्ट नहीं आना काफ़ी कॉमन बात है एंटीबायोटिक्स की वजह से ये काफ़ी पेशेंट्स को होता है मगर इसको ठीक होने में 10 से 12 दिन लगते हैं उसके लिए मेडिसिन देते हैं उसमें घबराने की कोई बात नहीं है आ, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने मील्स जो हैं वो छोटे छोटे मील्स लेने हैं चार पांच मील्स लेने हैं घर भूख नहीं लग रही है तो भी थोड़ा थोड़ा करके आपको आपको खाना खाना है अपने इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने डाइट में फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा रखना है फाइबर का इंटेक रखने से उन्हें कॉन्सट constip, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और भूख अच्छी लगेगी पेट अच्छा साफ होगा तो फ़ाइबर का इंटेक जैसे आप फ्रूट्स में सलाद्स में, में वेजिटेबल्स के अंदर फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा होता है या आर्टिफिशियल फ़ाइबर्स भी आते हैं जैसे ईसप कोल वगैरह में भी फाइबर्स होते हैं तो वो लिया जा सकता है और उसके साथ साथ ग्रेन्स जैसे सीरियल्स हो गया चपाती हो गया उसके अंदर भी फाइबर की मात्रा होती है ऑपरेशन के बाद शरीर के में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में, में पनीर सोयाबीन मिल्क या कर्ड की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए जो लोग फिश या एग खाते हैं उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से हेल्दी प्रोटीन आपको मिलता है बॉडी को साथ साथ फ्लूड की मात्रा जो पानी है वो जैसा हम इंस्ट्रक्ट करते हैं हर पेशेंट को डेढ़ लीटर या दो लीटर पर डे पीना चाहिए आ, उससे बॉडी में आ, में हाइड्रेशन बना रहता है ड्राइनेस नहीं लगती डाइजेशन में हेल्प होता है जो चीज़ अवॉइड करनी है आ, उसमें पैक्ड फूड्स को अवॉइड करना है जैसे नमकीन चिप्स उससे ना एक तो आपको कॉम्प्लेक्स फ्राइड फूड आपको नहीं मिलेगा उससे बेटर रहेगा और दूसरा सॉल्ट का इंटेक भी कम रहेगा वो भी आपको कार्डिक सर्जरी के बाद में सॉल्ट इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना होता है जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको आ, शुगर के लिए हम पूरा इंस्ट्रक्ट करते हैं छुट्टी के टाइम पे कि उनको शुगर लेवल्स कैसे कैसे मॉनिटर करने और उनको दवाइयों के लिए भी जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है फास्टिंग शुगर सौ के करीब टारगेट करना है खाना खाने के बाद डेढ़ सौ से दो सौ के बीच में शुगर रहेगी तो शुगर एक्सेप्टेबल है उससे ज़्यादा होगी तो अपने लोकल फिजिशियन से मिलना है खाने में आप जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए वो सब खा सकते हैं उसके आपको मीठा अवॉइड करना है शुगर लेवल कंट्रोल रखना है